हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइज 3.3 पे हैं और यहाँ कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से क्या दिया है। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड दिया है एक्स माइनस टू वाई माइनस का 2z इक्वल टू में 9, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन दिया है यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस का 3z इक्वल टू में 1। यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर तीन इक्वेशन है और इनमें तीन वेरिएबल है, हमें यहाँ सिंप्लीफाई करके एक्स वाई जेड को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन को लेंगे, दो बार लेंगे, दो इनमें से कोई भी दो दो इक्वेशन को लेकर हम यहाँ से दो इक्वेशन ऐसे फाइंड करेंगे जिसमें दो वेरिएबल है और उनको सिंप्लीफाई करके इन तीनों में से किसी में भी रख देंगे तो तीसरे वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लेते हैं पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 4 और सेकेंड है आपका एक्स माइनस टू वाई माइनस का 2z इक्वल टू में 9। चलिए देखिए यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई प्लस का 3z इक्वल टू में माइनस 5। इक्वेशन हम इसे ले लेते हैं फोर्थ, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम लोग अब इसमें से क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में 2 से, 2 इन इक्वेशन सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन थर्ड। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके इसलिए ऐसे ले रहे हैं ताकि एक्स वाला टर्म हट जाए, यहाँ वाई जेड में ही एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन एक हम लोग पहले निकाल चुके हैं, दोनों को सिंप्लीफाई करके पहले वाई जेड निकालेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 4y माइनस का 4z इक्वल टू में 18। इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये हो जाएगा 2x प्लस का वाई प्लस का 3z इक्वल टू में 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, टेंशन करते हैं, माइनस 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 माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5y माइनस का 7z, ठीक है। चलिए और इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर कितना 17, ये इक्वेशन 5 ले लेते हैं। चलिए अब इक्वेशन 4 में यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 5 से और इक्वेशन 5 में 1 से ताकि वाई वाला यहाँ कोफिशियंट सेम हो जाए और इससे सिंप्लीफाई कर सकें। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन। चलिए देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y प्लस का 15z इक्वल टू में माइनस का 25, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y माइनस का 7z इक्वल टू में यहाँ पर है आपका 17, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये तो आपका कट जाएगा, यहाँ पर देखो ये प्लस में ये माइनस में है, ठीक है, प्लस माइनस में ऑलरेडी है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 8z और इधर माइनस का 8, ये जाएगा डिवाइड में तो जेड का वैल्यू माइनस का मिल जाएगा। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन किसमें रख देते हैं, हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 क्या है आपका, यहाँ देखो वाई प्लस 3z इक्वल टू माइनस 5, वाई प्लस 3z इक्वल टू में माइनस का 5, वाई प्लस 3z का वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू में माइनस का 2। अब देखिए यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी में भी,
तो मैंने पहले यही आपको बताया था कि इसी तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। पहले दो का निकाल लेंगे, दो इक्वेशन फाइंड करके, और फिर उसके बाद हम लोग किसी भी इक्वेशन रख देंगे तो हमारा तीसरा वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू नो फोर, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू नो फोर। यहाँ देखिए x माइनस वाई का वैल्यू माइनस का टू और जेड का वैल्यू क्या था आपका, माइनस का वन था, इक्वल टू में फोर। यहाँ x प्लस का टू माइनस का वन इक्वल टू फोर, यानी x प्लस वन इक्वल टू में फोर, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो x का वैल्यू थ्री, y का वैल्यू माइनस का टू और z का वैल्यू माइनस का वन। समझ गए?